तो गाइस आज की वीडियो में मैं और भैया सरप्राइज करने वाले हैं 200 डेज ऑन वन ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट। और जो हमारा 100 डेज का वर्ल्ड था वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता था, इसलिए हम पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और एकदम एपिक लुक देने वाले हैं इस वर्ल्ड को। उसी के साथ साथ हम बनाने वाले हैं काफी सारे ऑटोमेटिक फार्म्स और अपने जानवरों के लिए एक बान हाउस। और इसी के साथ हम मारने वाले हैं इस वीडियो में 3 विदर्स को। तो क्या हम तीनों विदर्स को इजीली मार पाएंगे या फिर वो हमें मार देंगे, जानने के लिए पूरी वीडियो को देखना। और हाँ, अभी तक अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि लाइक है मैं 30K लाइक्स, मुझे पता है तुम लोग करा दोगे। सो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 101 को हम दोबारा से स्पॉन हो गए थे अपने कासल के ऊपर। और यहाँ पे आते भैया ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था, तो मैंने भी उनके बैंड बजा दी। गजब बेइज्जती है। फिर कासल से हम बाहर निकले और आसपास की जगह हमने देखी, तो देख के हमारा पूरा मूड खराब हो गया, क्योंकि डे 100 तक बस हमने ज्यादातर 1 ब्लॉक को ही माइन किया था, तो ज्यादा प्रोग्रेस कर नहीं पाए थे इस वर्ल्ड में। लेकिन बाय द एंड ऑफ 200 डेज हमको इसको पूरा अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। और उसके बाद हम दोनों लग गए थे एक फार्म के लिए सामान इकट्ठा करने में, क्योंकि हम बनाने वाले थे बहुत ज्यादा क्रेजी फार्म। और सबसे मस्त बात ये थी कि उसके लिए ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए था, तो हमने जल्दी से जितना भी सामान रिक्वायर्ड था वो सारा सामान कलेक्ट कर लिया था। तो इसके लिए बेसिकली छोटी छोटी चीजें चाहिए थी, जैसे कोबल स्टोन, ग्लासेस और भी काफी सारा सामान जो पहले से ही रखा हुआ था। बट इसके लिए जो सबसे मेन चीज चाहिए थी वो थी लावा। तो हमने काफी सारी बकेट्स बना ली और हम चले गए थे नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर जाते हमने काफी सारी बकेट्स लावा की भी भर ली और दोबारा से आ गए थे। और फाइनली हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था जिससे हमको वो फार्म बनाना था। तो जल्दी से हमने आयरन फार्म के सामने वाली जगह पे छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया और उस पर एक छोटा सा कोबलस्टोन फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली फार्म बन गया, एकदम रेडी हो चुका है। और तुमको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा फार्म, और तुम लोग सोच रहे हो भाई ये तो छोटा सा फार्म है, ये क्या ही प्रोड्यूस करता होगा। लेकिन अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो इसको स्टार्ट करने के लिए जस्ट मुझे ये लीवर दबाना है, और इससे क्या होगा TNT ड्यूप होंगे और सारी TNT नीचे जाके फटे आएंगे और इन सारी चेस्ट में आने लग जाएगा कोबलस्टोन। और लिटरली ये फार्म प्रोड्यूस करता है अप टू 120,000 कोबलस्टोन पर आवर। लिटरली भाई इतना छोटा सा फार्म 120,000 से भी ज्यादा कोबलस्टोन प्रोड्यूस करता है, मैं भी इसको देख के हिल गया था। और अब इस वर्ल्ड में हमें कभी AFK रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब से, और सही में ये आगे भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अब ये वाला फार्म बन ही गया है, तो अब पुराने फार्म की तो जरूरत ही नहीं है। तो वैसे भी बेकार था, बहुत देर तक AFK खड़ा रहना पड़ता था। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अच्छा, और गैस जब तक हम वो पुराना वाला फार्म तोड़ रहे थे जब तक हमने इसको चालू छोड़ दिया था। और अब चेक करते हैं इसकी रेट्स। तो लिटरली भाई जस्ट मैंने इसकी पहली चेस्ट ही खोली, उसमें 9 स्टैक से भी ज्यादा कोबलस्टोन, और सारी चेस्ट में लगभग बराबर ही कोबलस्टोन आता है। और देख सकते हो भाई हर चेस्ट में कितना सारा कोबलस्टोन भरा हुआ है। सही में ये वाला फार्म बहुत ज्यादा एपिक तरीके से काम करता है। उसके बाद चले गए थे हम अपने मॉब फार्म के ऊपर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम इसको तोड़ के एक नया वाला फार्म बनाने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी ज्यादा फार्म प्रोड्यूस करता तो था नहीं कुछ सामान। तो जल्दी से सबसे पहले हमने इस फार्म को तोड़ दिया और इसकी चेस्ट में जो जो हमें काम का सामान लग रहा था वो हमने उठा के रख लिया था अपने पास। और कोबलस्टोन के जो नीचे वाली जगह थी वहाँ पे मैंने टॉर्चेस लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे जो कि फार्म को खराब भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाने लगे थे एक प्लेटफॉर्म जिसपे हम बनाएंगे एक बड़ा सा मॉब फार्म। और लिटरली उस मॉब फार्म को बनाने के लिए काफी सारा कोबलस्टोन चाहिए था, और वो तो अच्छा है हमने एक पहले से एपिक सा कोबलस्टोन फार्म बना रखा है, तो सारी कोबलस्टोन की जरूरत फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इस वाले फार्म को हम नॉर्मल कोबलस्टोन से नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम स्टोन ब्रिक से, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा। तो हम चले गए नेदर के अंदर लावा लेने के लिए, जिससे हम स्मेल्ट करेंगे सारे कोबलस्टोन को। और हमने काफी सारी लावा के बकेट्स रख ली थी अपने पास, एक पूरा शल्कर बॉक्स भी भर दिया था, और अपनी अपनी इन्वेंटरी भी पूरी लावा से भर रखी थी। और फिर जहाँ से लावा लिया था वहाँ से तो मैं ब्लॉक लगाते लगाते अपने नेदर पोर्टल तक आ गया था। लेकिन भैया एकदम धीरे धीरे आराम आराम से माइनिंग करते करते आ रहे थे बहुत मेहनत करके। और फिर उन्होंने शॉर्टकट लेने की सोची और एंडर पर्ल फेंक दी, और एंडर पर्ल सीधा मुझे लगी, नीचे टपक गए। उसके बाद हम दोबारा से आ गए थे ओवरवर्ल्ड में, और यहाँ पे हमारे कोबलस्टोन फार्म में जितनी भी चेस्ट थी उसके नीचे हमने कुछ हॉपर्स लगा दिए थे, और हॉपर के नीचे फर्नेस लगा दिए थे, और सारे फर्नेस के अंदर हमने एक एक लावा बकेट डाल दी थी, जिससे जितने भी कोबलस्टोन है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हम स्टोन ब्रिक्स बना सकते थे। और जब तक कोबलस्टोन स्मेल्ट हो रहा था हम इस फार्म को बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लग गए। और फिर फाइनली हमने सारा सामान कलेक्ट कर लिया था इस फार्म को बनाने के लिए, और सारे कोबलस्टोन भी स्मेल्ट हो गए थे, तो सारे कोबलस्टोन को हमने स्टोन के ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया था और इस चेस्ट के अंदर रख दिया था। और जब हमने पूरा सामान इकट्ठा कर लिया तो हमने बनाना स्टार्ट कर देता एक जायंट मॉब फार्म।
तो गाइस फाइनली फार्म बनके एकदम रेडी हो चुका है और अभी तुम मॉब्स की आवाज सुन के पहचान सकते हो कि ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे कितने सारे मॉब्स मर रहे हैं एक साथ। और देख सकते हो ये फार्म बनाने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे टॉर्चेस लगा रहा था और देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कितना सारा सामान आ रखा है। तो गाइस अभी हमारा मॉब फार्म बनके एकदम रेडी हो चुका था तो हमने डिसाइड किया अपने आप को थोड़ा चैलेंज देने का। तो हमने सोचा कि अपने हम नॉर्मल वर्ल्ड को कन्वर्ट करेंगे एक हार्डकोर वर्ल्ड में। ये सी लिटरली पॉसिबल है कि हम एक नॉर्मल वर्ल्ड को हार्डकोर वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़े से कोड्स बदल के। तो अभी हमने यही किया, तो जो हमारा वन ब्लॉक का नॉर्मल वर्ल्ड था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था वन ब्लॉक हार्डकोर में। और अभी और भी ज्यादा मजे आने वाले थे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने में। फिर अपने वर्ल्ड को हार्डकोर में कन्वर्ट करने के बाद हम दोबारा से आ गए थे अपने वर्ल्ड में। और अपने वर्ल्ड में आने के बाद यहाँ पे ऐसी जितनी भी जगह थी जहाँ पे अंधेरा होता था और बाकी मॉब स्पॉन हो जाते थे वहाँ पे हमने टॉर्चेस लगा दिए जिससे मॉब फार्म और ज्यादा बड़े तरीके से काम करे। और वैसे भी अब तो हार्डकोर में कन्वर्ट हो गया था तो और अच्छे तरीके से काम करने वाला था हमारा मॉब फार्म। और देख सकते हो जस्ट हमारी टॉर्चेस लगा के खत्म हुई थी और यहाँ पे कितने सारे मॉब्स के ड्रॉप आ रखे हैं। ये फार्म लिटरली हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और कभी हम नेदरराइट की माइनिंग में जाते हैं तो भाई पूरा नेदरराइट का बीकन ही लेंगे शायद एक बारी में। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और गाइस देखो एक ही बारी में कितने सारे मॉब्स इस फार्म से गिर रहे हैं। अब सारे जाएंगे जलेंगे और उनका सामान आ जाएगा चेस्ट के अंदर। अब ज्यादातर जितनी भी फार्म्स की दिक्कतें थी सारी सॉल्व हो गए, लेकिन अभी एक मेजर प्रॉब्लम है वो है हमारे विलेजर्स के साथ। तो सबसे पहले तो हमने अपना जो विलेजर हॉल था या फिर इसको जो भी कहो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करने लग गए थे क्योंकि विलेजरों पे रहने की जगह नहीं थी और हम उनसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। और फिर मॉब फार्म में काफी सारी स्ट्रिंग्स भी आती थी तो उससे मैंने काफी सारे बेड्स बना लिए थे और वो बेड्स लगा दिए थे सारे विलेजर्स के लिए जिससे वो और ब्रीडिंग कर ले और काफी सारे विलेजर्स आ जाए यहाँ पे। फिर इन सारे विलेजर्स से थोड़ा सा खाना लेकिन इनको दोबारा से दे दिया हमने जिससे ब्रीडिंग करने लग गए, मतलब अब आने वाले काफी सारे विलेजर्स। तो फिर मैंने बना लिए थे काफी सारे वर्क स्टेशन जिससे जो भी नए नए विलेजर्स आएंगे उनको जॉब दे सकूं। और जब तक यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके थे तो अब जस्ट वेट करना था इनके बड़े होने का। और जब तक वो बड़े हो रहे थे तब तक हम जो पहले से विलेजर्स थे उनसे ट्रेडिंग करने लग गए जिससे हमें काफी सारे एमरल्ड्स मिल जाए। और फिर ट्रेडिंग करने के लिए मुझे थोड़ी सी आयरन चाहिए थी तो मैं आ गया था अपने आयरन फार्म में और इस फार्म की चेस्ट पूरी भरी हुई थी आयरन इंगट से। और चेस्ट तो चेस्ट, इसके जो हॉपर्स थे वो भी पूरे भर रखे थे आयरन से, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली हमें आयरन की। और फिर फाइनली जो नन्हे मुन्ने विलेजर्स थे वो बड़े हो चुके थे तो अब टाइम था उनसे थोड़ी सी मजदूरी कराने का। तो सबसे पहले हम बनाने वाले थे कुछ विलेजर्स को लाइब्रेरियंस जिससे हमें मिल जाए बहुत सारी इंचेंटेड बुक्स जिससे हम बनाने अपनी आर्मर को बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि 100 डेज में तो बस हमने नेदरराइट का आर्मर बना लिया और छोटी मोटी इंचेंटमेंट्स लगा ली थी लेकिन अब तगड़ी तगड़ी इंचेंटमेंट्स लगानी थी हमको। तो हम चाहते थे लाइब्रेरियंस पे आ जाए एकदम तगड़ी वाली ट्रेड्स, तो इसलिए हम बार बार उनका लेक्टन तोड़ते लगाते किसी अच्छी इंचेंटेड बुक की होप में। और फिर ये चीज बहुत देर तक करने के बाद एक विलेजर पे आ गई थी फॉर्च्यून 3 की बुक जो कि हमारे काम आ सकती थी। उसके बाद बाकी और भी अच्छी अच्छी बुक्स आने लगी जैसे लूटिंग 3 की हमारे सामने बुक आ गई थी तो हमने उसकी भी ट्रेड सेव कर ली थी। उसके बाद और भी बहुत सारी यूजफुल बुक्स आ गई थी जैसे अनब्रेकिंग 3, प्रोटेक्शन 4 और फेदर फॉलिंग की, तो हमने उन सारे विलेजर्स की ट्रेड सेव कर दी थी और उनसे काफी सारी बुक्स भी ले ली थी। लेकिन उसके बाद हम चले गए थे एंड वर्ल्ड के अंदर क्योंकि अब हमें अपने लिए लाना था इलाइट्रा क्योंकि हम 100 डेज में नहीं लेके आए थे। तो एंड वर्ल्ड में आती है मैंने थोड़ा सा अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया था और यहाँ पे देखो मुझे लिटरली एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे जो पोर्टल के दूसरी साइड आइलैंड्स होते हैं वो भी। और ये समय में पहली बार देख रहा था और इसको देख के मैं एकदम शॉक हो गया था कि ये कैसे हो सकता भाई, क्योंकि मुझे लगता था ये वाले आइलैंड्स लिटरली बहुत ज्यादा दूर होते हैं नॉर्मल आइलैंड से। तो फिर मैंने पोर्टल के अंदर एंडर पर्ल फेंक दी थी जिससे मैं टेलीपोर्ट हो गया था दूसरी वाली साइड और दूसरी वाली साइड से भी हमारा नॉर्मल आइलैंड दिखाई दे रहा था। और फिर दूसरी वाली साइड आते ही भैया के पीछे काफी सारे एंडरमैन्स पड़ गए थे तो फिर मुझे पजाना पड़ा उनको। फिर हमें दिख गई थी एक छोटी सी एनसीटी लेकिन मेरे पास बिल्कुल ब्लॉक्स नहीं थे तो भैया ब्रेजिंग कर रहे थे सारी जब तक मैं थोड़े से ब्लॉक्स इकट्ठे करने लग गया था। और फिर भैया ब्रेजिंग कर ही रहे थे लेकिन मैं एकदम बोर हो गया था तो मैं एंडर पल फेंक के दूसरे साइड चले गया था आइलैंड के। और फिर मैं दोबारा से ब्लॉक्स इकट्ठे करने लग गया था क्योंकि एक और आइलैंड हमें पार करना था। और फिर भैया के ब्लॉक्स खत्म हो गए थे तो मैं ब्लॉक्स लगाने लग गया था और फाइनली हम पहुंच गए थे एनसीटी के पास और यहाँ पे एक एंड शिप भी थी, मतलब हमें इलाइट्रा मिल जाएगा। और फिर एनसीटी के नीचे आने के बाद मैंने ऊपर एंडर पल फेंक दी जिससे मैं डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो गया था उस रूम में जहाँ पे चेस्ट थी। और पता नहीं भैया इतनी देर से क्या कर रहे थे, अभी तक पहुंचे ही नहीं यहाँ तक। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? और फिर एनसीटी के अंदर आने के बाद जब मैंने पहली चेस्ट चेक करी तो उसी में 2 डायमंड की पिकैक्स, 1 डायमंड की चेस्ट प्लेट और 1 डायमंड का हेलमेट था। भाई लिटरली पहली चेस्ट में इतना सारा सामान मिल गया था मुझे। और फिर दूसरी चेस्ट चेक करी तो उसके अंदर भी 1 पिकैक्स रखी थी, 3 पिकैक्स मिल गई इस एनसीटी में जस्ट आते ही। और फिर भैया जल्दी से ऊपर आ रहे हैं इसलिए मैंने पानी छोड़ दिया था जिससे भैया लटक लटक के आई जाएंगे। और जब तक मैं चेस्ट चेक करने लगा और उसमें से 1 चेस्ट में मुझे मिल गए थे टोटल 8 डायमंड्स। इस वाली एनसीटी से लिटरली काफी ज्यादा अच्छा सामान मिल गया था हमें। और फिर भैया भी ऊपर आ गए थे और फिर मैं दूसरी रूम में जा रहा था जहाँ पे चेस्ट रखी होगी, जैसे मैं जस्ट टेलीपोर्ट करने ही वाला था लेकिन तभी भैया ने पीछे से मुझे मार दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। भाई मैं यहाँ पे लिटरली मर भी सकता था, वो तो अच्छा था मैंने उनको ऊपर चढ़ाने के लिए पानी छोड़ रखा था जिससे मैं बच गया, वरना पता नहीं बच पाता कि नहीं बच पाता। और फिर फाइनली एनसीटी का जो
आखिरी कमरा था उसके अंदर भी मैं आ गया था और इसके चश्मे रखे हुए थे एक और पिकेक्स। भाई लिटरली इस वाली एनसीटी से कितनी पिकेक्स मिलेंगे, बट इस वाली एनसीटी के साथ एक और सस्पिशियस चीज थी कि इस पूरी एनसीटी में अभी तक हमें एक भी शेल्कर नहीं मिला था। जिस रूम में मैं एंटर हुआ उसमें भी एक भी शेल्कर बॉक्स नहीं था, ना हमने एक भी शेल्कर बॉक्स अभी तक मारा था। पता नहीं अलग ही ग्लिच चल रहा है भाई इस वर्ल्ड के साथ। फिर हम दोनों चले गए थे एंड शिप के अंदर और एंड शिप के अंदर जाती जैसे हमने सामने देखा भाई यहाँ पे एक भी शेल्कर ही नहीं था। सही में हमको समझ ही नहीं आ रहा था भाई शेल्कर कहाँ गया, लगता है इस वाले पूरे वर्ल्ड से शेल्कर को ही हटा दिया। लेकिन हमें क्या करना, सामने एक लाइटर रखा था जो कि मैंने ले लिया और भैया शायद इससे खुश नहीं थे, तो जल्दी से मैं लाइटर लेके भाग गया और भैया तो भी मेरा पीछा कर रहे थे, तो मैं चला गया था सीधे अगली एनसीटी पे। अब पीछा कैसे करेंगे, और जो दूसरी एनसीटी थी वो छोटी सी एनसीटी थी और उसमें बस एक ही रूम था जिसमें हम लूट कर सकते थे। तो जल्दी से मैं उस एनसीटी के ऊपर चला गया और देखो भैया भाई दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कितना पीछे रह गए, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैं देखो कितना जल्दी आ गया। फिर जब मैंने इस एनसीटी की चेस्ट चेक करी तो उसमें ज्यादा कुछ खास सामान तो रखा नहीं था, बट यहाँ पे शेल्कर्स थे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड से गायब हो गए थे शेल्कर्स, बस उस वाली एनसीटी में कोई ग्लिच होगा। तो फिर इस वाली एनसीटी के हमने कुछ शेल्कर्स मारे जिससे हमें शेल्कर शेल्स मिल गए थे और हमने अपने लिए एक एक शेल्कर बॉक्स बना लिया। यहाँ हमने जितना भी फालतू को या फिर इम्पोर्टेंट सामान था सब रख दिया। उसके बाद हम ब्रिजिंग करने लगे थे अपनी अगली एनसीटी के लिए, क्योंकि भैया के लिए भी तो इलाइट्रा चाहिए था। तो फिर ब्रिजिंग करने का जब हम आइलैंड के पास पहुंच गए तो मैंने एक एंडर पर्ल फेंक दी और देखो भाई एंडर पर्ल कहां जाके फंसी थी। मेरे नीचे लिटरली कोई भी ब्लॉक नहीं था और मैं वॉइड में भी गिर सकता था, लेकिन बाल बाल बच गया। फिर पानी की हेल्प से मैं यहाँ से बाहर निकला और फिर फाइनली हम आ गए थे थर्ड एनसीटी के अंदर। और इस वाली एनसीटी में लिटरली काफी ज्यादा अच्छा सामान रखा हुआ था, जैसे डायमंड्स हमें काफी सारे मिल गए थे, डायमंड के आर्मर, डायमंड के टूल्स और भी काफी सारा अच्छा अच्छा स्टफ मिल गया था हमें इस वाली एनसीटी से। और फिर मैं एनसीटी को एक्सप्लोर कर ही रहा था लेकिन तभी भैया को एक बहुत ज्यादा रेयर एडवांसमेंट मिल गई थी। पता नहीं इनको इतनी आसानी से ये वाली एडवांसमेंट मिल गई, और ये वाली एडवांसमेंट मुझे आज तक किसी भी वर्ल्ड में नहीं मिली, कितने लक्की है ये। फिर मैं दोबारा से एनसीटी को एक्सप्लोर करने में लग गया था और एक्सप्लोर करते करते गलती से मैं नीचे गिर गया था, तो ये देखो मेरी स्पेशल वाटर बकेट ट्रिक तो हो नहीं पाई, बट मेरा टोटम वेस्ट हो गया। और फिर मैं दोबारा से गया था एनसीटी के अंदर और भैया भी यहाँ पे आ गए थे, और आते ही सबसे पहले हमने शेल्कर को मारा और इसकी दोनों चेस्ट में भी थोड़ा अच्छा खासा सामान रखा हुआ था। और फाइनली भैया को भी इलाइटर मिल गया था तो जल्दी से उनने भी उसको ले लिया, बट जैसे उनने तोड़ा तो इलाइटर मेरे पास आ गया। तो फिर मैंने उनका इलेक्ट्रन उनको रिटर्न कर दिया और फिर हमने जंप लगा दी थी अपने पोर्टल की तरफ, और पोर्टल की तरफ हम उड़ के जा रहे थे लेकिन भैया को देखो भाई वो रास्ते ही भटक गए थे पोर्टल का और वो एक आइलैंड पर फंस गए थे। लेकिन तभी उनको याद आया कि वो अपने साथ लाए कुछ रॉकेट्स। भाई अभी तक पता नहीं क्या कर रहे थे लेकिन फिर रॉकेट्स की हेल्प से वो मेरे पास आ गए थे और उन्होंने मुझको भी कुछ रॉकेट्स दे दिए थे। तो फिर हम एकदम इजीली उड़ के चले गए थे अपने पोर्टल की तरफ और फिर फाइनली हम आ गए थे ड्रैगन वाले आइलैंड पे। और यहाँ पे आने के बाद हमने पोर्टल के अंदर जंप लगा दी जिससे फाइनली हम दोबारा से आ गए थे ओवरवर्ल्ड में। फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हम दोबारा से ट्रेडिंग करने लग गए थे क्योंकि हमें चाहिए थे बहुत सारे एमरल्ड्स अपने आर्मर पर एन्चेंटमेंट्स लगाने के लिए। तो बहुत सारे हमने ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद काफी सारी एन्चेंटेड बुक्स भी खरीदी थी हमने विलेजर्स से, लेकिन थोड़ी देर में सारे एमरल्ड्स भी खत्म हो गए थे। तो हम आ गए थे थोड़े से ट्रीज को चॉप करने, तो हमने काफी सारे ट्रीज चॉप कर लिए थे और फिर मैंने लगा देते दो फ्लेचिंग टेबल जिससे दो विलेजर कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लेचर में और अब हम उनको स्टिक्स भी बेच सकते हैं। तो दो विलेजर फ्लेचर भी बन गए थे और जल्दी से हमने उनसे बहुत सारी ट्रेडिंग करी क्योंकि वुड को इकट्ठा करना ज्यादा बड़ी बात है नहीं, तो हमने काफी सारे इकट्ठे कर रखी थी और उनसे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर ली। और फाइनली हम पे काफी सारे एमरल्ड्स हो गए थे और हमने सारी बुक्स की ट्रेडिंग कर ली थी लाइब्रेरियन से, और उसके बाद जितनी भी हमारे पास एन्चेंटेड बुक्स थी वो हमने अपने आर्मर्स में लगा दी थी। तो हमने अपने पूरे आर्मर और इलाइटर पे लगा दी थी प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3, बट अभी भी हम पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं थी जो की थी मेंडिंग की, और मेंडिंग तो तुम लोगों को पता ही कितनी ज्यादा खास होती है। तो हम लोग फिर से लगे थे लाइब्रेरियन की ट्रेड चेंज करने में जिससे हमें मिल जाए मेंडिंग की बुक। और फाइनली लाइब्रेरियन का लेक्टर्न तोड़ते तोड़ते हमको मिल गई थी मेंडिंग। यस गाइस सही में हमको मेंडिंग की बुक मिल गई थी और ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो जल्दी से मैंने उसकी ट्रेड सेव कर ली थी जिससे उसकी ट्रेड चेंज ना हो जाए, यानी अगले दिन तक मेंडिंग की जगह क्या पता दूसरी बुक देने लग जाता, इसलिए जल्दी से मैंने ट्रेड सेव कर ली। और उसके बाद फिर से फ्लेचर से हम ट्रेड करने लगे, लेकिन ट्रेड करते करते फाइनली हमारी सारी वुड खत्म हो गई थी, मतलब अब हम एमरल्ड्स भी नहीं ले सकते थे। तो वेपन स्मिथ से मैंने एक नई डायमंड की एक्स ले ली थी क्योंकि मेरी पुरानी वाली की हेल्थ बहुत कम हो गई थी। और उसके बाद हम दोबारा से आ गए थे ट्री वहां पे, और वहां पे हम दोबारा से बहुत सारे ट्रीज को चॉप करने में लग गए थे क्योंकि सिर्फ हम ट्रेड करेंगे फ्लेचर से ही क्योंकि इजीली मिल जाते हैं वहां से एमरल्ड्स। उसके बाद हम दोबारा से आ गए थे फ्लेचर्स के पास और इनसे काफी सारी ट्रेडिंग करने लग गए थे, और हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स भी रखी हुई थी अपने मॉफ फार्म से, उसकी भी हमने काफी सारी ट्रेडिंग कर ली और हम पे बहुत ज्यादा एमरल्ड्स आ गए थे अब। और उसके बाद फाइनली हमने बहुत सारी मेंडिंग की बुक्स ले ली थी लाइब्रेरियन से।
और उसके बाद मैंने पूरी मेंडिंग की बुक्स लगा दी थी अपने आर्मर पे और टूल्स पे, और मैंने बना ली थी एक बढ़िया सी पिकेक्स जो मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी, बट मेरा पूरा एक्सपीरियंस खत्म हो गया था। तो मैंने भैया को एक लूटिंग 3 की बुक दे दी थी और अपनी नजराइट की सॉर्ड दे दी थी जिससे वो लगा दे मेरी सॉर्ड पे लूटिंग 3, और फाइनली उन्होंने मेरी सॉर्ड पे लूटिंग 3 लगा दिया था। और लूटिंग 3 वैसे मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि अभी हम जाने वाले थे नेदर के अंदर, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी फ्लेचर से ट्रेडिंग कर ली थी जिससे मुझे एमरल्ड्स मिल गए थे, और फिर फार्मर से मैंने थोड़ा सा खाना ले लिया था, और उसके बाद हम चले गए थे नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर जाते ही हम ढूंढने लग गए थे एक नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि अब टाइम था एक वेदर को स्पॉन कराने का, और हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने लगे। और तभी भैया को मिल गई थी एक और रेयर एडवांसमेंट, पता नहीं क्या हो रहा भाई, इनको ही सारी एडवांसमेंट मिलती आ रही है। उसके बाद फाइनली बहुत ज्यादा खोज करने के बाद एक कोने में मुझे मिल गया था नेदर फोर्ट्रेस, तो जल्दी से मैं उसके अंदर चला गया था, और उसके अंदर जाते मुझे थोड़ी सी लूट मिल गई थी, तो जितना भी मुझे सामान मिला था बेसिकली मैंने सारा कलेक्ट कर लिया था। और अब बार रही थी थोड़े से वेदर स्केलेटन्स को मारने की, क्योंकि हमें चाहिए सबसे पहले इनके हेड जिससे हम स्पॉन कराएंगे वेदर्स को। तो नेदर फोर्ट्रेस में आते मुझे कुछ वेदर स्केलेटन्स मिले थे, मैं उनको मारने लग गया, और जस्ट मैंने 5-10 विदर स्केलेटन मारे होंगे कि मुझे अपना पहला विदर स्केल मिल गया था बहुत ज्यादा इजीली। और फिर मैं दोबारा से विदर स्केलेटन को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गया, और फिर बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मुझे सेकंड स्कल भी मिल गया था, और फिर मैं दोबारा से लग गया था विदर स्केलेटन्स को मारने में, बट इस बार मुझे नहीं भैया को मिल गया था एक स्कल। तो अब हमारे पास 3 स्कल्स तो हो ही गए थे, तो हम दोबारा से आ गए थे अपने नेदर पोर्टल के पास, और पता नहीं क्यों यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस थे, शायद इनका भी मन कर रहा है कि हम यहाँ पे गोल्ड फार्म बनाएं और ये उसमें आके मर जाएं। कोई सेंस है इस बात की? फिर हम दोबारा से आ गए थे ओवरवर्ल्ड में, और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हम थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने लगे थे क्योंकि हम एक और नया फार्म बनाने वाले थे जो कि था एक्सपी फार्म, जहाँ से हमें बहुत सारी एक्सपी मिलने वाली थी, बट उसके लिए जितना भी सामान चाहिए था हम वो कलेक्ट करने लगे थे। और वैसे इसके लिए ज्यादा सामान चाहिए नहीं था, सबसे पहले बहुत सारी लीफ चाहिए थी और सेकंड बहुत सारा कोबलस्टोन चाहिए था बस। तो जल्दी से जितना भी सामान चाहिए था वो हम कलेक्ट करने लग गए थे, और थोड़ी सी ट्रेडिंग भी कर रहे थे हम जहाँ से हमें एमरल्ड्स मिल जाएं, और उन एमरल्ड्स से हम परचेस कर रहे थे बुक शेल्फ, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि जो हमारा एंचेंटमेंट टेबल वाला एरिया होगा वो हम बनाएंगे एंड के अंदर एकदम एक्सपी फार्म के जस्ट साइड में। तो जल्दी से हमने बहुत सारे बुक शेल्फ भी ट्रेड कर लिए थे, और ऐसे जितना भी बचा कुचा सामान था वो भी हम कलेक्ट करने लगे थे। और फाइनली इस फार्म को बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए था हमने सारा कलेक्ट कर लिया था, और उस पूरे सामान को लेने के बाद हम चले गए थे एंड वर्ल्ड में, और फिर एंड वर्ल्ड में आते ही हमने वो फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली एंडरमैन एक्सपी फार्म बनके एकदम रेडी हो चुका है, और लिटरली इस फार्म को बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बट ये फार्म जो नेक्स्ट लेवल का एक्सपी प्रोड्यूस कर रहा है ना उसे एकदम मजा आने वाला है हमारा। तो यहाँ पे ऊपर से बहुत सारे एंडरमैन लगातार गिरते रहते हैं, और इनको जस्ट हमें मारना है, और देखो कितना जल्दी जल्दी हमारा एक्सपी बढ़ता जा रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ से काफी सारी एंडर पल्स भी मिलती है। और इस फार्म को अगर हम बस 1 मिनट यूज करेंगे तो हमारा एक्सपी 0 से 40 तक हो सकता है, वो भी बस यहाँ पे खड़े रहने से। एकदम क्रेजी फार्म है ये। और फिर मैंने इसी फार्म के बगल में एक छोटा सा एंचेंटमेंट एरिया बना लिया था, यहाँ से हम अपने टूल्स आर्मर इंचेंट कर सकते हैं इंचेंटमेंट टेबल की हेल्प से। और फिर हम अपने लिए करने लगे थे इंचेंट एक बढ़िया सा बो, क्योंकि अब हमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल बो बनाना था वेदर को मारने के लिए। तो हम बगल वाले फार्म से थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट करते और फिर इंचेंटमेंट लगाने लग जाते अपने बोस पे, फिर कलेक्ट करते एक्सपी, फिर लगाने लग जाते, और ऐसे करते करते फाइनली हम दोनों ने बना लिया था बहुत ज्यादा पावरफुल बो। तो मेरे वाले बो में पंच 2 को छोड़ के सारी इंचेंटमेंट्स फुल लेवल की थी, और भैया वाले बो में पंच 2 भी था और बाकी इंचेंटमेंट्स भी फुल लेवल वाली थी, क्योंकि मुझे पंच 2 ज्यादा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने लगाया नहीं था। नहीं क्या मतलब, मुझे पंच 2 मिल ही नहीं रहा था। फिर अपना बो बनाने के बाद हम चले गए थे ओवरवर्ल्ड के अंदर, और ओवरवर्ल्ड के अंदर जाते ही हम दोबारा से आ गए थे एंड वर्ल्ड में, क्योंकि वेदर भी तो मारना था। तो एंड वर्ल्ड में आने के बाद हमने स्पॉन करा दिया था वेदर, पता नहीं क्यों वेदर स्पॉन होने के बाद ही मेरे पीछे पड़ गया भाई, जबकि भैया उसके बहुत ज्यादा पास खड़े थे, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गया और मुझ पर अटैक करने लगा, लेकिन मैं अपनी बो से इसको बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। और फाइनली जब ये नीचे आ गया तो बहुत ज्यादा आसानी से मैंने इसको मार दिया, और फाइनली वेदर भी खत्म हो गया था, और इससे हमें मिल गया था एक नेदर स्टार जिससे हम बीकन बना सकते हैं, पर वो मजा नहीं आया था सही में एक वेदर को मारने वाला, इसलिए हम चले गए थे ओवरवर्ल्ड में वापस। और ओवरवर्ल्ड में आते ही हम चले गए थे नेदर के अंदर, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हम से स्पॉन कराने वाले हैं विदर, तो इसलिए नेदर के अंदर जाते हम नेदर फोर्ट्रेस के पास भी पहुंच गए थे, और हम सेम नेदर फोर्ट्रेस में आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी इस वाले नेदर फोर्ट्रेस में। और यहाँ पे आते सारे मॉब्स ने मिलकर मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया, और विदर और ब्लेस ने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा जिससे मेरा एक पूरा टोटम वेस्ट हो गया, लेकिन वो तो अच्छा भैया अपने साथ एक्स्ट्रा टोटम रखते हैं, तो मैंने उनके शेल्टर बॉक्स से अपने लिए एक टोटम ले लिया था और दोबारा से चला गया था नेदर फोर्ट्रेस के अंदर, और वहां जाकर विदर स्केलेटन्स को मारने लग गया। और ऐसे विदर स्केलेटन्स को मारते मारते फाइनली मुझे मिल
गया था पहला विदर स्कल, और फिर हम दोबारा से विदर स्केलेटन्स को मारने लगे और हम एक जगह पे एक साथ जा रहे थे, तो भैया पता नहीं क्यों आगे आगे भगते जा रहे थे उनको मारने के लिए, और जल्दी से मेरा एक बो का शॉट उनमें लग गया जिससे उनका टोटम यूज हो गया। उनको पता भी नहीं पड़ी कि मेरी वजह से उनका टोटम वेस्ट हुआ है। उसके बाद हम दोनों दोबारा से लगे थे स्कल्स कलेक्ट करने में, और फाइनली मुझे अपना सेकंड स्कल भी मिल गया था, और पता नहीं क्यों भैया को कुछ मिल ही नहीं रहा था, भाई मुझे ही मिले जा रहे थे सारे स्कल्स। और सेकंड स्कल के मिलने के कुछ देर बाद ही मुझे थर्ड स्कल भी मिल गया था, और भैया कह रहे थे हम दो वेदर स्पॉन कराएंगे, मतलब अभी हमें तीन स्कल और कलेक्ट करने की जरूरत है, तो हम जल्दी से उनको भी कलेक्ट करने में लग गए। और ऐसे बहुत सारे वेदर स्केलेटन्स को मारने के बाद फाइनली हमने कलेक्ट कर लिए थे पूरे छह स्कल्स, जिसमें से पांच तो मैंने ही कलेक्ट करे थे अकेले, पता नहीं भैया क्या कर रहे थे, और उसमें से एक मैंने भैया को दे दिया था दान में, इसीलिए तो मैं मेरी इन्वेंटरी में चार ही दिखेंगे। फिर पूरे छह स्कल्स को लेने के बाद हम दोबारा से लौट गए थे ओवरवर्ल्ड में, और फिर हम चले गए थे एंड में, और एंड में हमने स्पॉन कराया था तब विदर, और भाई भैया ने इस बार बोला था कि विदर को बस मैं ही मारूंगा, मैं मतलब भैया ही मारेंगे और मैं विदर को हाथ भी नहीं लगा सकता, तो देखो विदर मेरी क्या बैंड बजाते रहता पूरे टाइम। बट इतना सब कुछ चल ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारे इंटरनेट का कनेक्शन चला जाता है और भैया ऑफलाइन हो जाते हैं, तो मतलब अब मैं इसको आसानी से मार सकता था, तो जल्दी से मैं इसको फिनिश कर देता हूं और इसका नेदर स्टार ले लेता हूं, और फिर दूसरा विदर स्पॉन करा देता हूं, और उसको हम दोनों मिलके इजिली पीट देते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और फाइनली अब हम पर टोटल हो जाते हैं 3 नेदर स्टार, मतलब 3 बीकन बना सकते हैं हम। और उसके बाद हम लौट लेते हैं ओवरवर्ल्ड, और ओवरवर्ल्ड में जाने के बाद हम एक नए फार्म के लिए सामान कलेक्ट करने लग जाते हैं, और ये वाला फार्म होने वाला था सैंड डुप्लीकेशन फार्म। तुम समझिए होगे जो एंड पोर्टल पर फार्म बनाते हैं ना, जिससे सैंड या कॉन्क्रीट हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, तो वही वाला हम फार्म बनाने वाले थे, क्योंकि इस फार्म को हम यूज करके बहुत सारी सैंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और ग्रेवल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम पे काफी सारे ग्लासेस हो जाएंगे और कॉन्क्रीट मिल जाएगी हमें, इसलिए तो जल्दी से हम सारा सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो फिर जैसे ही हमारा सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, तो वन ब्लॉक वाले कमरे में जितनी भी चेस्ट रखी होती है हम उनको तोड़ने लग जाते हैं, और उसका अंदर का जो सामान होता है उसको शिफ्ट करने लग जाते हैं वहां से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जिससे हमारा बेशकीमती सामान चला जाए हमारे हाथों से, तो सारे सामान को हम शिफ्ट कर देते हैं उस जगह से। और उसके बाद एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं एंड पोर्टल के नीचे, और फाइनली उसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपना सैंड डुप्लीकेशन फार्म। तो गाइस फाइनली सैंड ऊपर बन के एकदम रेडी हो चुका है, और ये एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है। हाँ तो गाइस मैं ये बोल रहा था फाइनली सैंड ऊपर बन के एकदम रेडी हो चुका है और ये एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ ये काम करता कैसे। तो यहाँ से देखो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा सैंड फेंक रही है एंड पोर्टल के अंदर, और जैसे मैं एंड के अंदर जाता हूं, तो देखो यहां पे कितनी स्पीड से डुप्लीकेट होकर आ रही है सैंड ओवरवर्ल्ड से, और यहां पे इसी तरीके से सैंड डुप्लीकेट होती रहेगी। और ओवर साइड में मैंने भैया को एएफके होने के लिए खड़ा छोड़ दिया है, और अभी मैं एंड के अंदर हूं, तो हम एकदम इजीली एएफके खड़े हो सकते हैं इस वाले फार्म पे। और चेस्ट में भी देखो कितनी ज्यादा स्पीड से सैंड आ रही है। अब जस्ट हमें ये करना है कि थोड़ी देर एएफके होना है, और फिर इन चेस्टों में आ जाएगी बहुत सारी सैंड, तो चलो थोड़ी देर के लिए एएफके हो लेते हैं। तो गाइस फाइनली देख सकते हो कितनी सारी सैंड आ गई भाई, मैंने सोचा भी नहीं था इतने अच्छे से ये फार्म काम करेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी सैंड ले लेनी है अपने पास, तो थोड़ी सी सैंड भर देता हूँ शेल्टर बॉक्स के अंदर, और अपने पास भी रख लेता हूँ थोड़ी सी सैंड, और अब चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। और अब मेरे पास जितनी भी सैंड है उसको लगा देता हूँ यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए, जिससे मुझे मिल जाएंगे काफी सारे ग्लासेस। और हाँ, स्मेल्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास काफी सारी लावा रखी है, तो ये सारी सैंड को कन्वर्ट कर देगी ग्लासेस में। और फिर मैंने एक एक लावा की बकेट हर फर्नेस में डाल दी थी, जिससे सैंड स्मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। और जब तक सैंड स्मेल्ट हो रही थी, तब तक हम बाकी सामान इकट्ठा करने लग गए थे, क्योंकि अभी हम ट्रांसफॉर्म करने वाले थे अपने पूरे वन ब्लॉक को एकदम खतरनाक तरीके से। तो फिर हम चले गए थे नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर आती हमें मिल गई थी बेसोल्ट बायोम, और यहाँ से हम बहुत सारी बेसोल्ट कलेक्ट करने लग गए थे, क्योंकि हम बेसोल्ट का यूज करने वाले थे अपने जितने भी पाथ्स हैं और रास्ते वगैरह हैं उनको बनाने के लिए। तो हम यहाँ से बेसोल्ट कलेक्ट करने लगे, और हमने यहाँ से बहुत सारी बेसोल्ट कलेक्ट कर ली थी। और फिर हम दोबारा से आ गए थे ओवरवर्ल्ड में, और अब ज्यादा सामान इकट्ठा करने के लिए रहा नहीं था, तो जितना भी बच्चा को जो सामान था वो जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद स्टार्ट कर दिया हमने अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे वन ब्लॉक का जितना भी आसपास वाला एरिया था उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे एकदम मस्त तरीके से। और उसके बाद हमारे वन ब्लॉक से निकलते हुए जितने भी रास्ते थे उसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने में लग गए। और हमारे बाकी जितने भी फार्म थे उनके नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया। फिर हम बनाने लगे थे एक छोटा सा शुगर केन फार्म, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में रॉकेट्स बनाने में। और उसके बाद हमने बना लिया था एक छोटा सा बान हाउस। तो
तो गाइस फाइनली हमने अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर लिया और तुम लोगों को अभी पूरे वर्ल्ड का टूर करा देता हूँ छोटा सा कि अभी हमारा वर्ल्ड कैसा लग रहा है। तो देखो ऊपर से एकदम सेंटर का लुक कितना ज्यादा मस्त लग रहा है और हमने एक एक पाथ को कस्टमाइज कर दिया और बहुत ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। और हमने यहाँ पे एक छोटा सा बांध बना दिया जहाँ पे सारे जानवर अच्छे से रह सकते हैं। बस भैया वाला हिस्सा बनाना मैं भूल गया हूँ तो वो मैं बाद में बना दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो जितने भी रास्ते हैं वो भी एकदम हमने मस्त वाले कस्टमाइज कर दिए और देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ से हमने वुड वाला फार्म पूरा हटा दिया क्योंकि अभी हमको उसकी जरूरत नहीं, हम नया बना लेंगे। और जो जो अलग से रास्ता जा रहा है जैसे आयरन फार्म और कोबलस्टोन फार्म के लिए, उसके नीचे हमने एक मस्त सा प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे हम गिरेने और देखने में भी ये अच्छा लगता है। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे हमने बना दिया एक छोटा सा शुगरकेन फार्म जिससे हम फायरवर्क्स के रॉकेट बना लें और आराम से उड़ सकें। और हाँ, जब तक हम ये कर रहे थे हमारे पूरे आयरन फार्म में बहुत सारी आयरन आ गई थी तो अभी तो हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आयरन की। और ऐसे हमारा पूरा मॉब फार्म भी फुल हो गया है। और हाँ गाइस, तुम लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना क्योंकि इसको करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और अब बस एक ही चीज बची है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो है अपना विलेजर हॉल। लेकिन उससे पहले पता नहीं क्यों हमारा मन कर रहा था एंडर ड्रैगन को मारने का, तो इसलिए हम जल्दी से चले गए थे नेदर के अंदर। और जैसे ही मैं नेदर के अंदर पहुंचा भाई वहां पे एक क्रीपर फट गया और मैंने नेदर पोर्टल ही तोड़ दिया। और वो तो अच्छा मेरे पीछे पीछे भैया आ रहे थे तो उनकी वजह से एक नया ही नेदर पोर्टल खुल गया था। फिर नेदर में आने के बाद हम ढूंढने लगे थे घास्ट को क्योंकि उनको मार के हमको घास्ट ईयर लेने थे जिससे हम एंडर ड्रैगन स्पॉन करेंगे। तो नेदर के अंदर आने के बाद जैसे हमने सबसे पहला गास्ट मारा तो उससे गास्ट ईयर मिल भी गए थे बट वो पूरा लावा में ही चला गया। तो हम दोनों अलग अलग चले गए थे क्योंकि ज्यादा गास्ट मिल नहीं रहे थे हमको। और अलग अलग जाने के बाद मुझे एक गास्ट मिल गया था जिसको मैंने जैसे मारा तो उसने गास्ट ईयर ड्रॉप कर दिया पहली बारी में। और फिर मैंने एक और गास्ट मारा जहाँ से मुझे एक और गास्ट ईयर मिल गया। और उसके बाद मुझे एक और गास्ट मिला लेकिन उसने गास्ट ईयर ड्रॉप नहीं किया। और इसके बाद मुझे एक भी गास्ट मिला ही नहीं था पता नहीं क्यों, बट भैया को पता नहीं क्यों बहुत सारे गास्ट मिल रहे थे और उनसे उन्हें गास्ट ईयर भी काफी सारे मिल गए थे। तो हम दोबारा से लौट गए थे ओवरवर्ल्ड में और उनको टोटल मिले थे चार गास्टिया जो कि हमने मुझे दे दिया। और जल्दी से हमने उसको बना लिए थे एंड क्रिस्टल। और एंड क्रिस्टल को लेने के बाद हम चले गए थे एंड के अंदर। और एंड के अंदर जाते ही पता नहीं यहाँ पे वैक्सेस कहाँ से आ रखी थी तो जल्दी से हमने उनको निपटाया और सारे एंड क्रिस्टल्स रख दिए थे जिससे स्पॉन होने लग गया था एंड ड्रैगन। और थोड़ी देर में एंड ड्रैगन भी स्पॉन हो गया था। तो सबसे पहले तो उसके एंड क्रिस्टल्स फोड़ने थे। ये देख रहे हो भाई का निशाना कितनी आसानी से सारे एंड क्रिस्टल को फोड़े जा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने अपने एकदम शार्प शूटर वाले निशाने से सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ दिया था। और ऐसे एंड क्रिस्टल को फोड़ते फोड़ते एक बार मैं जस्ट एक हट पे बचा था। और फिर सारे एंड क्रिस्टल तो फूट गए थे तो अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की। तो जल्दी से हम एंडर ड्रैगन को मारने लग गए थे अपने बो एरो से क्योंकि हम पे बहुत ज्यादा पावरफुल बो था। और धीरे धीरे करके हमने एंडर ड्रैगन की बहुत कम हेल्थ कर दी थी। और वो जैसे नीचे गया तो मैं भी उसको मारने चला गया लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि एक एंडरमैन मेरे पीछे पड़ गया और भैया ने भी पीछे से एक एरो मार दिया मुझे जिससे मेरा टोटम वेस्ट हो गया भाई, मतलब भैया पूरा बदल ले रहे हैं मुझसे। और फिर ड्रैगन दोबारा से ऊपर चला गया था तो हम उसको दोबारा से बो से ही मारने लग गए। और फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया और एंड को दोबारा से फ्री कर दिया जिसको हमने ही कब्जा रखा है। और जैसे एंडर ड्रैगन मरा था तो उससे हमने सारा एक्सपी कलेक्ट कर लिया और हम चले गए थे ओवरवर्ल्ड में। और फिर ओवरवर्ल्ड में जाते हम सीधा चले गए थे नेदर के अंदर सामान कलेक्ट करने के लिए जिससे हम बनाने वाले थे विलेजर हॉल। और फिर नेदर से हमने सबसे पहले तो बहुत सारी वुड कलेक्ट करी और बहुत सारे ब्लैक स्टोन्स भी कलेक्ट किए। और उन दोनों चीजों को लेने के बाद हम दोबारा से आ गए थे ओवरवर्ल्ड। और फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हमने सोचा कि ये नेदर वाली थीम हमारे पूरे वर्ल्ड से मैच नहीं करेगी तो इसलिए अब हम बनाने वाले थे अपने टाउन हॉल को स्प्रूस की वुड से और स्टोन ब्रिक से जो कि पूरे हमारे वर्ल्ड से मैच करेगी। सो या बिना टाइम वेस्ट किए हमने टाउन हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली विलेजर हॉल बनके एकदम रेडी हो चुका है। और इस बार हमने ऐसा विलेजर हॉल बनाया है जिसमें विलेजर आराम से घूम सकते हैं, मतलब एकदम बंद नहीं है किसी भी एरिया में। और हाँ, इसी के साथ हमने सर्वाइव कर लिया डेट 201। यस, शगुन का एक दिन और सर्वाइव कर लिया हमने। और हाँ, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि लाइक एम है 30K लाइक्स। अगर तुमको नेक्स्ट पार्ट चाहिए 30K लाइक्स पूरे करा देना। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।